अभी दिल्ली में 21 तारीख को 10 मजदूर संगठनों की बैठक हुई है, उसके अंदर हमने इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। एक हमने पूरे देश के सामने हमारी क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र हमने तैयार किया है, और 28 तारीख को मवलंकर हॉल के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक एक खुला मजदूरों के नेताओं का अधिवेशन होगा, और उस जो हमारा घोषणा पत्र है उसके ऊपर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद हम, क्योंकि सरकार हमारे से बात नहीं कर रही है, सरकार हमारे से सुनती नहीं है, सरकार हमारे को कह रही है कि हमने जो हमारा एजेंडा है हम उसी पे काम करेंगे, हम किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। दो दिन की हड़ताल हो गई, उसके ऊपर सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगी है। जो 5 मिनिस्टरों की कमेटी बनाई है हेडेड बाई फाइनेंस मिनिस्टर, वो 2 बैठकों करने के बाद वो कहाँ पर गोल हो गई है इसका भगवान जानता है। और देश सरेआम भारतीय रेलवे आम देश के मजदूर का सस्ता ट्रांसपोर्ट है, उसको भी इन्होंने विदेशी हाथों में बेचने का फैसला कर लिया है। 99 ईयर की लीज पर स्टेशन बेचे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, और सारा का सारा उनके इंजन बनाने का काम, कोच बनाने का काम, ये सब विदेशी हाथों में। जैसा कि आपने कहा कि 28 तारीख को मवलंकर हॉल में देश के 10 फेडरेशनों के मुख्य लोग और पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, तो ऐसे में आपके घोषणा पत्र और वहाँ डिमांड क्या होगा, चर्चा किस मुद्दे पे होगी? हमारी चर्चा ऐसी मुद्दे पे होगी कि देश के अंदर बेरोजगार जो 1 करोड़ नौजवान अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो लेबर मार्केट में हर साल एंटर करता है, और प्रधानमंत्री जी का एक वायदा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देश के अंदर हर साल पैदा करेंगे, डिसेंट जॉब देंगे, जो इनका UN असेंबली में कमिटमेंट है कि हम डिसेंट जॉब देंगे, डिसेंट वेज देंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी देंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे। ये इतने वायदे इन्होंने जो किए हैं उनको बस्ते में बंद करके रख दिया है, उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से उनको सारी सुविधाएं वर्ल्ड बैंक के दबाव में, विदेशी ताकतों के दबाव में ये देश को आर्थिक गुलाम बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं ये सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस इशू के ऊपर जो लेबर कानूनों को बदलाव कर रही है सरकार, आज तक मुंह नहीं खोल रही है। हम ये भी फैसला करेंगे कि जो भी पार्टी मजदूरों के 50 करोड़ का वोट लेना चाहती है, अगर उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा करने का अपने मैनिफेस्टो में वायदा नहीं किया, तो उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को गलियों गलियों के अंदर लोग बाग जो है दौड़ा। आपने कहा सर देश के 50 करोड़ मजदूर और आगे सरकार अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया और नहीं किया, सर बात ये नहीं है, बात पिछले 3.5-4 साल हो गए सरकार के यहाँ रहते हुए, तब तक सरकार ने क्या किया और उन्हें जो मैनिफेस्टो में सरकार ने कुछ कहा था उस पर कितना अभी कार्य हुआ है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है, सिवाय देश को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। सिर्फ ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसमें हिंदू मुसलमान को, भाइयों भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। और इसलिए बेवजह गरीब आदमी जो अपना रोजगार चला रहा है उसको 4 आदमी गुंडे इकट्ठे होकर उनको लाठियों से मार मार के तोड़ के सड़क पे फेंक रहे हैं, रोजगार करना मुश्किल हो गया लोगों को, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापारी जो है वो दंदनाते देश को लूट रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए लूट के विदेशों में जाकर ऐश है। पहले से मालिकों से शोषित, अपने कारखानों से शोषित श्रमिक अब सरकार से शोषित होने लगी है कानून के तहत, ऐसे में 50 करोड़ श्रमिकों को आप लोग नेतृत्व करते हुए सड़कों पर लाने का प्रयास करेंगे क्या? यस, अभी जो हमारी 28 तारीख को हो रही है उसमें हम सब लीडरों से बात करने के बाद, क्योंकि उसमें रेलवे भी आएगा जो देश का सबसे बड़ा उद्योग है, 1 लाख नौकरियों को देश में पैदा करता था, उसको बेचना शुरू कर दिया है इन्होंने। पोर्ट एंड डॉक, समुद्री जहाज के सारे कर्मचारियों के नेता आएंगे उसमें, कोल के जो कोल की खदानों को बेचना शुरू कर दिया है उसके नेता उसमें सब आएंगे, पावर सेक्टर के जो सब बेच दिए है इन्होंने, आज दिल्ली के अंदर जो है ये किस तरीके से बिजली की लूट मची हुई है वो सारी प्राइवेट कंपनियां जो है उनके हाथ में, ये रोडवेज सारी की सारी इन्होंने बेच दी है आम देश के नागरिक के लिए, जिसके लिए सरकार बनाई गई है, जिनके ये सेवक हैं जिस देश की जनता के, उनके मालिक बन के बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो राजा हैं और आप प्रजा हो, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, आप बोल भी नहीं सकते, आपके पास ये भी अधिकार नहीं है। ये इस तरीके का देश में वातावरण, देश को, देश के पास अपनी जो पावर इनको जनता ने दी है उस पावर को मिस यूज करके, उनको मार मार के, उनको डरा डरा के, उनके घर जलाकर, इस तरीके से देश की सरकार कैसे? श्रम कानूनों को लेकर जो सरकार सीमित करने जा रही है, जो आप लोग उस पर सम्मेलन करने वाले हैं, उस सम्मेलन में 50 करोड़ मजदूरों से कुछ अपील करना चाहेंगे? उसमें हम 50 करोड़ वर्कर से अपील करेंगे कि आप किसी भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बटना मजदूर करो, मजदूर मेहनत करेगा, श्रम करेगा, उसको उसका वेतन मिलेगा, उसका मालिक जो है उसके ऊपर दमन कर रहा है सरकार की सुविधाओं के साथ, हमारे सब मजदूर को, जो मेहनत कश मजदूर है, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार को पालता है, उसके हकों की रक्षा करना चुनी हुई सरकारों की जिम्मेवारी है। अगर वो सरकार उनके मालिक बन के, राजा बन के बैठ गए हैं, तो ये सरकार के जो ताकत है आम नागरिक के पास,
सरकार को बनाने की, वो उखाड़ के फेंकने की भी ताकत उसके पास है, वो जागरूक हो जाए और एक वर्कर इकट्ठा हो जाए, पूंजीपति इकट्ठे हैं, वर्कर भी इकट्ठा हो जाए और आने वाले समय में जो जनवरी के अंदर दो या तीन दिन की हड़ताल होगी उसमें खुलकर देश का 50 करोड़ वर्कर सड़कों पर उतरे, फैक्ट्रियां बंद करें और इन पॉलिटिकल पार्टी को जो ये कह रहे हैं हम राजा है, इनको सड़क पर आकर रंग बनाने का उनको, जैसा कि आपने कहा कि जनवरी में 3 दिवसीय भारत बंद यानी हड़ताल करेंगे और इसके बाद 2-3 महीने बाद 2019 संसद का चुनाव भी है, सांसदों का चुनाव भी है, ऐसे में इस मजदूरों का शोषण और मजदूरों का उत्पीड़न उस चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? हमारा यही प्रयास है कि देश का जो दबा कुचला बेजुबाना बेसहारा जो कमजोर तबका है दुनिया देश का सबसे लास्ट मैन है, उसकी बात सब ये नेता करते हैं परंतु उनके हकों के ऊपर जिस तरीके से खुले तौर पर डाके डल रहे हैं, मालिकों को उनको लूटने का अधिकार मिल गया है, ये सरकारें उसके उसको सोचे और दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सोचे। दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दूसरे तरीके के देश के अंदर अपने इंडिविजुअल सवालों के ऊपर बहस कर रहे हैं परंतु 50 करोड़ वर्कर जिससे उन्होंने वोट मांगना है वहां भीख मंगे बनकर झोली फैलाकर जब उनके दरवाजों पर जाएंगे, इनसे पूछेगी देश की जनता हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारी नौकरी की सुरक्षा कहाँ है, हमारे ये जो सामूहिक सौदेबाजी उस पर अटैक क्यों है, हमारा अच्छा वेतन देने का जो वायदा है वो कहाँ है, महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हुई, करोड़ों अरबों रुपया बाहर से विदेशों से वापस क्यों नहीं आया, उसमें डबल पैसा वहां पर कालाधन कैसे जमा हो गया, ये बहुत बड़े बड़े आप रेलवे स्टेशन बेचने का किसने अधिकार आपको दे दिया, ये रेल मंत्री कहां से इनका मालिक बन गया, इनके बाप दादाओं ने ये प्रॉपर्टी कायम की है, देश के नागरिक ने अपने खून और पसीने से पैदा की है, आम देश के नागरिक का ये प्रॉपर्टी है, इनके इनको किसी के प्रॉपर्टी पर्सनल है कि गोदी कर्मचारियों के पोर्ट को सब बेच देंगे, एयरलाइन को सारी बेच देंगे, रोडवेज को बेच देंगे, पावर को बेच देंगे और इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट बन जाएंगे ये देश के चुने हुए। आप स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जो अभी सत्ता में सरकार है, बीजेपी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो देश हित में नहीं काम कर रही है और मजदूर हित में भी नहीं काम कर रही है, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये अपोजिशन में थे ये स्वदेशी का नाम लेते थे और अब ये विदेशी की झोली में बैठे हुए हैं, उनकी 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 चापलूसी कर रहे हैं कि हमारे देश में आइए लूट के ले जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं, और हमारे देश के जो जिन्होंने काला धन कमाया हुआ था उनको छूट दे दी, उन्होंने बॉर्डर खोल दिया, हवाई जहाज पकड़ के वो आज कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे देश को लूट के चले गए और ये भाषण में कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ के लाएंगे, वो करके लाएंगे, पकड़ के नहीं, उनको जनता सबक सिखाएगी आने वाले 2019 के चुनाव।